हेलो एवरीवन, नमस्ते। सो क्लास 7 स्टूडेंट्स, फॉर यू वन अनाउंसमेंट इज देयर, एंड द अनाउंसमेंट इज दैट फ्रॉम दिस एपिसोड इटसेल्फ, दिस लाइव क्लास इटसेल्फ, वी आर गोइंग फॉर शॉर्ट आउट क्वेश्चन, शाउट आउट क्वेश्चन, व्हिच विल बी आइदर इन द स्टार्टिंग और मिडिल और एट द लास्ट. And whenever I'll be putting on this question's answer you will give within a stipulated period of time, that is 10 seconds will be given to you. The child who gives the first correct answer, not the wrong answer, first correct answer, his name in the next session will be written here on the board, and I'll be giving a clapping in the whole world. Whenever they'll be watching this particular YouTube channel, they'll come to know this particular child has given the correct answer. So wait, watch, see, and be ready for the short shout, 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 out, out question. So let us proceed on with today's work. Okay, so we are moving with rational number. Our topic is rational number itself. But what we are going to study under it? Finding a new rational number. We are going with this topic. Number between 1 and 3. Very good. Answer is 2. Number between 3 to 7. 3 and 7. Number between 3 and 7. Very good. 5. But when I ask that, tell me one number between two rational number, 1 by 2 and 3 by 4. अब इसका कैसे करेंगे हम? मैंने क्या पूछा? Rational number between 1 by 2 and 3 by 4. थोड़ा सा problematic है. कुछ भी problem नहीं है. सिंपल नंबर जब मैंने 1 एंड 3 के बीच में पूछा आपने 2 दे दिया, 3 एंड 7 के बीच में पूछा आपने 5 दे दिया, इसी तरह से वो आपने क्या किया, 3 प्लस 7 किया डिवाइड बाय 2 किया ना, 3 प्लस 7 डिवाइड बाय 2, 10 बाय 2 5. 1 एंड 3 जब मैंने पूछा तो 3 प्लस 1 4, 4 बाय 2 2 आ गया आंसर. इसी तरह से यहां पे भी मुझे डिवाइड बाय 2 करना है. तो ये नंबर अगर मुझे दिया है और पूछा गया है फाइंड ए नंबर बिटवीन 1 बाय 2 एंड 3 बाय 4, व्हाट आई हैव टू डू, पहले तो मुझे ये दोनों को ऐड करना है और इसका हाफ फाइंड करना है, हाफ ऑफ दिस. ठीक है, तो पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं ना, हम मैथ्स में रूल्स क्या फॉलो करते हैं, वी फॉलो बॉडमास, है ना. तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. तो पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं, तो 1 बाई 2 और ब्रैकेट में हो जा रहा है 2 एंड 4 का एलसीएम हम ले रहे हैं, तो 2 एंड 4 का एलसीएम 4 होता है, वो मैंने लिख दिया. और यहां आ गया 1 प्लस 1 इंटू, अब देखो 4 डिनोमिनेटर है ना, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 बचता है, तो न्यूमरेटर को उसे इंटू कर देना, जो बचता है उसे न्यूमरेटर को इंटू करते हैं, प्लस या 4 बाई 4 1 ही बचेगा, तो 3 को 1 से इंटू करना, इसलिए हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं. तो ये नंबर क्या हो जाता है, 1 बाई 2, ब्रैकेट में हो जाता है 1 2 जा 2 प्लस 3 बाई 4, तो ये नंबर हो जा रहा है 1 बाई 2 इंटू 5 बाई 4. अब मुझे इसके बाद फिर क्या करना है, फिर से मैं ये दोनों का, यहाँ पे इंटू है ना, तो इंटू में क्या करते हैं, ऊपर ऊपर इंटू करेंगे, नीचे नीचे इंटू करेंगे, तो 1 5 जा 5 और 4 2 जा 8, इसको हम और छोटे में नहीं काट सकते हैं, सो दिस इज ओनली अवर आंसर 5 बाई 8. ये था, अगर लोग पूछेंगे एक नंबर निकाल रहा है ये दो नंबर के बीच में,
ठीक है, यू हैव टू फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4। तो हमने इस तरह से कर दिया, हमने क्या किया, दोनों नंबर को प्लस किया, और जैसे हम सिंपल में ही करते डिवाइड बाय टू, तो डिवाइड बाय टू मतलब हाफ होता है, तो यहाँ पे मैंने हाफ लिख दिया, कोई साइन नहीं है इसका मतलब होता है इनटू, कोई साइन नहीं है उसका मतलब क्या होता है इनटू, ठीक है। तो फिर पहले हमने ब्रैकेट का काम किया, क्योंकि हम बोर्ड मास को फॉलो कर रहे हैं, हमने ब्रैकेट का सारा चीज लिख दिया, उस हिसाब से सोल्यूशन कर दिया 5/8। पर अगर क्वेश्चन आता कि थ्री नंबर्स बिटवीन, फाइंड थ्री रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 and 3/4, एक तो एक निकालना तो बहुत इजी है, मैंने बता दिया, पर अगर क्वेश्चन में है थ्री रैशनल नंबर तब हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में है थ्री रैशनल नंबर तो हम क्या करेंगे, अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आ गया, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये तो इसका आंसर है। अब आपको क्या करना है, एक तो मैंने निकाल लिया, अब जो मैंने एक निकाला अब हम क्या करेंगे, ये इस दोनों के बीच में है, अब हम इसके और इसके बीच का नंबर निकालेंगे, यानी कि अब मैं क्या करूंगी, 1/2 + 5/8 करेंगे ना, दोनों के बीच का नंबर है ना, दोनों के बीच का नंबर है, तो इसको मैं प्लस करूंगी और डिवाइड बाय 1/2, फिर इसका हाफ, ये दोनों के बीच का नंबर है तो उसको और इसको अगर मैं प्लस करूंगी, अभी जो 5/8 है वो कहीं इधर कहीं आ रहा है बीच में, तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करूंगी तो ये दोनों के बीच का नंबर आएगा, उसी को फिर इसके साथ करूंगी वो नंबर और ये नंबर ऐड करूंगी तो इसके बीच का नंबर आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 1/2 और इनटू ब्रैकेट में 2 और 8 का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमेशा 2 और 8 का आप देख लो, एलसीएम 2 एंड 8 एलसीएम आपको आता ही है, 2 1s are 2 4s are, तो 4 2s are 8, कभी भी अगर दोनों इवन नंबर है तो बड़ा नंबर डिनोमिनेटर बन जाता है। अब 8 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 4, इस 1 को 4 से इंटू करेंगे, प्लस 5, 8/8 1 होता है इसलिए इसको ऐसे ही हम छोड़ दिए, तो 1/2 × 4 1s are 4, 4 + 5/8 ब्रैकेट में, तो ये आ रहा है 1/2 × 9/8, अब इंटू है, ऊपर ऊपर इंटू होगा, नीचे नीचे इंटू होगा, ये शॉर्ट फॉर्म में नहीं जा सकता, ये हो गया सेकंड नंबर। पहले हमने क्या किया, 2 के बीच का सेंटर नंबर निकाला, सेंटर नंबर ये आ गया, अब ये नंबर यहां कहीं लाई कर रहा है, उसके और इसके बीच का नंबर फिर मैंने निकाला दूसरा, अब क्या करूंगी मैं, ये नंबर और 3/4 के बीच का निकालूंगी, फिर और कोई पूछेगा 5 नंबर 7 नंबर, तो फिर ये नंबर और इस नंबर के बीच का निकालूंगी। अब देखो इसको कैसे, आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको इस तरह से 1/2, अब बीच का नंबर मैंने निकाला 5/8 और फिर है यहाँ पे 3/4, तो ये इसका बीच का नंबर था इसलिए अब मैंने ये दोनों को प्लस किया, अब ये दोनों को प्लस करूंगी तो बीच का नंबर आ जाएगा, तो सेकंड बीच का नंबर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम सेकंड जब इसके निकाल लिए, सेकंड नंबर भी आ गया 9/16, अब 9/16 तो यहाँ आ गया, इसके भी बीच का आ गया 9/16 यहाँ आ गया, और स्टार्टिंग था 1/2, अब हमें एक और नंबर पूछ रहा है, तो हम ये दोनों के बीच का भी निकाल सकते हैं, ये दोनों के बीच का भी निकाल सकते हैं, ये दोनों के बीच का भी निकाल सकते हैं, एज मेनी नंबर्स दे गो ऑन आस्किंग फॉर रैशनल नंबर्स इट इज वेरी इजी फॉर अस टू कैलकुलेट। अब देखो सेकेंड पार्ट इसी का मैं करती हूँ, ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या कर रही हूं, नेक्स्ट पार्ट में मैं इधर से जा रही हूं, ये दोनों के बीच का निकाल देती हूं, तो ये दोनों के बीच का कैसे आएगा, 5/8 + आप ना ये रफ में लिखते जाओगे तो आपको पता चलेगा आप किसके किसके बीच का नंबर निकाल रहे हो, ये कहीं पे आपको बुक में नहीं मिलेगा, दिस इज ओनली पैशनेट टीचर टेलिंग यू, ठीक है। अभी भी जो आंसर आएगा ये दोनों का बीच का ना मैं फिर यहाँ लिखूंगी और इसको मिटा के पीछे करूंगी, तो आप किसी के भी बीच का मैं जितना नंबर्स पूछा जाएगा उतना निकाल सकती हूँ। हम देखो यहाँ पे 1/2 × 8 और 4 का एलसीएम हम लेंगे तो 8 ही आएगा, 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 5 × 1 5 ही हो जाएगा, प्लस 3 × 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, तो 2 यहाँ इंटू कर दिए,
तो ये हो गया 1/2 इंटू 5+3 8, ये ब्रैकेट में होगा, ठीक है। जस्ट सी हियर, ये 5 है प्लस, वेरी गुड, और ये हमने लिखा था 3 × 2, इसको भी ब्रैकेट में डाल दे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये हो गया 5 + 3 × 2 = 6/8, ये ब्रैकेट हो गया 1/2 × 6+5 = 11/8। किसी से कोई कट रहा है? कोई किसी से नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 11/16 लिखेंगे। हम इसको क्या करेंगे, 11/16 लिखेंगे। तो ये 11/16 ये दोनों के बीच में, अब मैं फिर क्या करूंगी, यहां पे लिखूंगी 11/16 और ये चला गया 3/4। ये तो हुआ तीन नंबर्स, तो हमने तीन नंबर निकाल लिए। अगर वो बोले 7 नंबर, अब मैं ये दोनों के बीच में भी नंबर निकाल सकती हूँ ना, सेम वैसे ये दोनों के बीच में भी नंबर निकाल सकती हूँ, ये दोनों के बीच में भी नंबर निकाल सकती हूँ, ठीक है। ये तो मैंने अभी आपको जो सिखाया ये था फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। आज मैं टू पॉजिटिव दे रही हूँ क्योंकि पहले आप पॉजिटिव की प्रैक्टिस करें, कल मैं आपको कराऊंगी नेगेटिव नंबर्स। सो बी रेडी टुमारो एट द सेम टाइम, ओके। सो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 की जगह हम 7 निकाल सकते हैं, 10 निकाल सकते हैं, 12 निकाल सकते हैं। आज मैंने दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर्स दिए, कल क्या करूंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस में प्लस होगा किस में माइनस होगा, या प्लस ही प्लस करेंगे लेकिन साइन किसका जाएगा, माइनस कब जाएगा, वो आपको देखना है, ठीक है, ओके। सो नाउ यू हैव टू वेट, एंड यू हैव टू वेट फॉर योर शाउट आउट क्वेश्चन, ओके, रेडी नाउ। जस्ट वंस यू सी द बोर्ड बी रेडी फॉर दैट क्वेश्चन, ओके। Your question is, who wrote Ramcharitmanas? I'm repeating once again, who wrote Ramcharitmanas? Time starts now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Time over, waiting for the fast answer. Bye.